राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स एजुकेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक के संबंध में, जिसका एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है। आपने बिल्कुल सही सुना है, एग्जाम डेट घोषित कर दिए गए महिला पर्यवेक्षक का। आप सभी लोगों का इंतजार अब खत्म हुआ। हम जानेंगे कि इसका डेट कब घोषित किया गया है, तो आइए आज की क्लास में यही एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं। और आपको कैसे तैयारी करना है, इन कम समय में आपको कैसे रणनीति करना है, क्या पढ़ के जाना है, हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है 27/8/2023 को। एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड कर सकते हैं 21/8/2023 को, ठीक है। यानी कि देखिए, यहाँ पर जो महिला पर्यवेक्षक का है उसका एग्जाम डेट है आपका 27 अगस्त 2023 को, इसे एग्जाम लिया जाएगा। उसी प्रकार आपका एडमिट कार्ड 21/8/2023 को इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं पुलिस सीधी भर्ती के बारे में, जिसका सुबह आपका 10 बजे से लेकर 12:15 तक इसका एग्जाम लिया जाएगा। उसी प्रकार आपका परिसीमित सीधी भर्ती का 2 बजे से लेकर 4:15 तक इसका एग्जाम लिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए आपको कैसे तैयारी करना है 20 से 22 दिनों पर। यानी कि आज आपका डेट है 5 तारीख, यानी कि 5 अगस्त है और आपका 27 अगस्त को इसका एग्जाम लिया जाएगा महिला पर्यवेक्षक में, जिसमें आप देख सकते हैं जो 27/8/2023 यानी कि आपके पास कितना समय है, आपके मात्र 21 से 22 दिन आपके पास समय है महिला पर्यवेक्षक के बारे में। अब देखिए, जो महिला पर्यवेक्षक एग्जाम की तैयारी कैसे करें आखिर इन कम समय में, तो हम आपको बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देख के जाइएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर, देखिए भाग 1 महिला एवं बाल विकास विभाग के विभिन्न योजनाएं 20 से 60 नंबर के प्रश्न वहां पर पूछे जाएंगे, जिसमें हम आपको महिला एवं बाल विकास के विभिन्न योजनाओं की क्लास हमें अब ले पा रहे हैं, ठीक है। जिसमें भाग 2 में सामान्य ज्ञान एवं मानसिक योग्यता से 10 से 15 नंबर पूछे जाएगा। उसी प्रकार भाग 3 में हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा से 10 नंबर पूछे जाएंगे। उसी प्रकार भाग 4 में इंग्लिश में 10 नंबर रहने वाला है। उसी प्रकार आपका भाग 5 में गणित में 10 से 15 नंबर रहने वाला है। अब आखिर ये 15 से 20 दिनों में क्या पढ़ें, क्या रिवीजन करके जाएं, तो देखिए आप जितना हो सका है आप पढ़ाई करना है पढ़ लीजिए, नया चैप्टर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना है, हम आपको बताने वाले हैं। तब तक वीडियो को लाइक करके रख लीजिएगा, और डेली अगर क्लास करना चाहते हैं, महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके पास 20 से 22 दिन बचा हुआ है, तो उसमें हम रिवीजन क्लास करा रहे हैं महिला पर्यवेक्षक का। हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लास कराया जा रहा है, जिसमें बाल विकास के विभिन्न योजनाओं की क्लास हमारे YouTube चैनल पर लिया जा रहा है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेंबरशिप में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करना है कि आपको कैसे तैयारी करना है इन कम समय में। सबसे पहले हम बात करते हैं महिला एवं बाल विकास के विभिन्न योजनाओं के बारे में, जिसमें 20 से 60 नंबर पूछा गया है। तो चलिए वहां पर अब स्टार्ट करते हैं, आपको कैसे तैयारी करना है इन कम समय में, आखिर इन दिनों में आपको पढ़ना क्या है। तो मात्र आपके पास 21 से 22 दिन बचा हुआ है महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम, यानी कि 27 अगस्त तक इसका एग्जाम लिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको पढ़ना कैसे है, तो खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती की तैयारी आखिर कैसे करना है इन कम समय में, रिवीजन कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं खुली सीधी भर्ती, जिसमें आपका 20 नंबर का अधिनियम योजना से संबंधित पढ़ना है, आपका अधिनियम से विभिन्न योजनाओं से, बाल विकास की विभिन्न योजनाओं से आपको पढ़ना है, रिवाइज करके जाना है। उसी प्रकार 40 नंबर में आपका रहेगा रीजनिंग प्लस जीएस इंडियन प्लस छत्तीसगढ़, यानी कि आपको यहाँ पर इंडियन यानी कि भारत का संविधान वगैरह से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ का पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग और जीएस आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें 40 नंबर के प्रश्न यहाँ से बनेंगे। उसी प्रकार 15 नंबर का आपका हिंदी रहेगा और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज यानी कि छत्तीसगढ़ी भाषा से और हिंदी से आपका 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, दोनों में मिक्सिंग, ठीक है। उसी प्रकार 10 नंबर का इंग्लिश से प्रश्न रहेगा। उसी प्रकार 15 नंबर आपका मैथ्स रहेगा, जिसमें आपको कैसे पढ़ना है हम आपको पिछले वीडियो में आपको बताए थे। अगर यह आपको मालूम नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं परिसीमित सीधी भर्ती के बारे में। तो देखिए जो परिसीमित सीधी भर्ती है उसमें आपको 60 नंबर का अधिनियम प्लस योजना, यानी कि जितने भी बाल विकास विभिन्न योजनाएं हैं, जितने भी विभिन्न योजना, जितने भी अधिनियम हैं, वहां से आपके 60 नंबर यहां से पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं 10 नंबर हिंदी प्लस छत्तीसगढ़, यानी कि 10 नंबर आपका हिंदी और छत्तीसगढ़ से रहेगा, जिसमें 5 नंबर का आपको इंग्लिश पढ़ना है,
यानी कि देखिए खुली सीधी भर्ती और परिसीमित सीधी भर्ती में आपको 10 नंबर इंग्लिश इसमें पढ़ना है खुली सीधी भर्ती में, जबकि आपको परिसीमित सीधी भर्ती में 5 नंबर का इंग्लिश को पढ़ना है। यानी कि आपको उतना ज्यादा मैटर नहीं करता इसको पढ़ने की, आप अगर स्कोर कर लेते हैं इसमें, यानी कि जो अधिनियम है अगर उसमें आप स्कोर कर लेते हैं तो अगर आपका अच्छा खासा नंबर वहां से मिल जाएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लास कराया जा रहा है। अगर आप तैयारी ही करना चाहते हैं तो डेली क्लास करते रहिएगा। जिनको महिला पर्यवेक्षक की एग्जाम सिलेक्टेड करना है, हम वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो एग्जाम में सिलेक्टेड टाइप का जो रहता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके परीक्षा में देखने को मिल सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन हम डेली क्लास करा रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर 10 नंबर का मैथ्स पढ़ना है जबकि यहाँ पर आपको 15 नंबर का पढ़ना है, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस कितना का अंतर है, 5 नंबर का अंतर है। यानी कि आपको 10 नंबर मैथ्स पढ़ के जाना है परिसीमित सीधी भर्ती में, उसी प्रकार आपको 15 नंबर की जीएस प्लस इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ रहने वाला है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि आपको कैसे पढ़ना है और कैसे रिवाइज करके जाना है। यहाँ तक अगर आपको क्लियर होगा तो कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको कहीं डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं फिर यहाँ पर, देखिए खुली सीधी भर्ती जिसका एग्जाम आपका 100 नंबर का होने वाला है। क्या समझ पा रहे हैं मैं जो आपको बता रहा हूँ? इतने कम दिनों में, यानी कि 21 से 22 दिन आपका बचा हुआ है, आज आपका 5 अगस्त है और आपका एग्जाम 27 अगस्त को लिया जाएगा, यानी कि आपके पास मात्र 21 से 22 दिन है। आप सिर्फ रिवाइज कीजिएगा, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है नए चैप्टर का, यहाँ पर करंट अफेयर क्या आ रहा है कैसा है आपको पढ़ना नहीं है। सिर्फ आप 6 महीने का पढ़ लीजिएगा या फिर 1 साल के अंतर्गत करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है पढ़ने की, वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। उसी प्रकार आपका महिला पर्यवेक्षक में खुली सीधी भर्ती और परिसीमित सीधी भर्ती के बारे में बात कर रहा हूँ, दोनों में जिसमें आपको नए अध्ययन नहीं करना पड़ेगा, नया जो आने वाला है, यानी कि जैसे कि आप जितना पढ़ना था आप पढ़ लीजिएगा, इससे ज्यादा और नहीं पढ़ना है, अधिक जो भी पढ़े हो उसी को रिवाइज करो, 2 से 3 बार रिवाइज करते रहिएगा और आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते रहिएगा, टेस्ट देते रहिएगा, वहां पर आपका कवर हो जाएगा, आप लोगों को सिलेक्शन हो जाएगा। वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, डेली क्लास करते रहिएगा। थैंक यू।